Bring this to you, Misbah. Misbah, yesterday आपने एक point raise किया कि जी ये दो contrasting टीमें, एक बहुत modern aggressive cricket खेलने वाली है और एक बहुत ज़्यादा disciplined conventional cricket खेलने वाली है, और आज जो conventional cricket है वो एक दफ़ा फिर supersede की जो एक aggressive style है. What really do you think happened? Because I did not see New Zealand batters take any risks. They were बड़े disciplined तरीके से उन्होंने खेला. जो ball merit पे मारने वाली थी उसको मारा, जो push करने वाली थी. What do you make of this performance? आज तो ऐसे लगा जैसे अपोजिट स्टाइल में दोनों टीमें खेली हैं. इन इंग्लैंड नॉर्मली जिस तरह अटैकिंग क्रिकेट खेलती है वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट अंडर प्रेशर हुए, विकेट गिरे, उसके बाद वो ऐसे ही लग रहा था जैसे वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे. कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन आई नहीं जैसे इंग्लैंड टेस्ट मैचेस में खेल रहा है कि डजेंट मैटर दो आउट हैं, तीन आउट हैं, ओवर में दो दो छक्के मार रहे हैं, अपनी शॉटें खेल रहे हैं. कहीं पे भी वो गेम से आगे नहीं, वो न्यूजीलैंड से आगे नहीं हुए मैच में. जबकि न्यूजीलैंड को अगर देखें वो राइट इन द स्टाइल इंग्लैंड स्टाइल बड़े मज़े से वो बॉलिंग करते रहे कि ठीक है आप कर लो 300 तक, हमने एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप खिलाई है और हम चेस करेंगे. जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है टोटली जो इंग्लैंड की अप्रोच थी वैसी अप्रोच उनमें नज़र आई है कि उन्होंने किसी को वुड को इवन वॉक्स जो भी आया स्पिनर आदिल रशीद आए हैं उनको भी उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, चाहे पीछे बॉल हुआ है चाहे आगे उन्होंने बॉल की ऑफ स्टंप के बाहर, दे वर देयर और हर किस्म के शॉट्स खेले हैं. आई मीन लुक एट दैट सिक्स, बिल्कुल उन्होंने जो भी बॉलर आया उसको अटैक किया, सेटल डाउन नहीं होने दिया और कहीं पे भी नहीं लगा इंग्लैंड के टॉप पे आएगी इनके अगेंस्ट. लुक एट दोस शॉट्स. यस, इंग्लैंड बुलिंग अटैक जो है वो आपको रन्स देगा. सुबह भी पहले भी बोला, मैंने पहले भी बोला कि उनका बॉलिंग अटैक ऐसा है वो आपको रन्स देगा. वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं कि हम ऐसा मैच खेलेंगे कि हमें मारोगे हम आपसे ज़्यादा मार के जीतेंगे, या अगर हम पहले बैटिंग करेंगे तो हम इतने रन्स लगाएंगे कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो आप हमें जितना भी मार लो हमारे तक नहीं पहुँच सकते. वी टॉक अबाउट बार्कवुड 150 147 कंसिस्टेंट बॉलिंग करता किलोमीटर्स नाउ, दैट्स क्विक, बट इट डिपेंड्स ऑन द ऑपोजिशन एंड द पिच टू. अब उसका अपना करियर का रिकॉर्ड देखोगे, इज ऑलमोस्ट 39 रन्स पर उसके एवरेज है पर विकेट, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव. एंड इन जनरल इंडिया में उसकी एवरेज उससे भी वर्स्ट हो जाती है, इट्स ओवर 42.57 रन्स पर विकेट. सो ये बॉलर ऐसा है कि ये वन ऑफ मैचेस में आपको इन विकटों पे शायद चला सके, मगर वैसे बैक ऑफ अ लेंथ ऐसी शॉर्ट करोगे कट भी खाओगे पुल भी खाओगे जो उसको पड़ी आज मैच में. मोहिनी,